सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर वीडियो। पिछले बहुत ऐप लास्ट ओके इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ से हम इस वेबसाइट का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा DMM। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू रजिस्टर आपको देखने को मिल जा रहा है। फिर यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट यूज़र नेम डाल देना है, यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड डाल देना, कन्फर्म योर पासवर्ड डाल देना, फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना, वेरीफिकेशन कोड डाल देना। यहाँ से आप देख सकते हैं आपको सब कुछ लिस्ट यहाँ पर फिलअप कर लेना है। फिर गाइस जहाँ से आप देख सकते हैं कुछ लिस्ट फिल कर लिया, फिर उस पर देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा गाइस, जहाँ से आपको देख सकते हैं आपको जो रजिस्टर का ऑप्शन आएगा उस पर आपको लिस्ट क्लिक क्लिक कर देना है। तो गाइस इसके बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पे देखा ग्रेड, आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फिर आपको ये सब देखने को मिल जाने वाला है। फिर गाइस इसके बाद देख सकते हैं आपको सबडन परचेज यहाँ ये देखने को मिल जाएगी। फिर गाइस जहाँ से आप देख सकते हैं आपको ये यहाँ पे अपग्रेड इतना आपको ये सब आपको देखने को मिल जाने वाला गाइस। गैस इसके बाद डी एम यहाँ से आपको ये सब देख सकते हैं गाइस। फिर उसके बाद देख सकते हैं डी एम हैज़ लॉन वर्किंग अकाउंट, यहाँ से आपको ये सब आपको देखने को मिल जाने वाला गाइस। फिर उसके बाद देख सकते हैं आपको ये सब आपको देखने को मिल जाएगा गाइस। फिर उसके बाद देख सकते हैं आपको फिर यहाँ पे आपको ये सब आपको देखने को मिल जाएगा गाइस। फिर उसके बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल का जो ऑप्शन आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जा रहे हैं, विड्रॉल का, डिपॉजिट का, कंपनी फाइल का है, ये सब जनरेटर फाइनेंस का, इन्विटेशन का है, शॉपी पे आपको ये सब देखने को मिल जाने वाला गाइस। फिर उसके बाद बेस्ट वे है, ई वे है, डी एम एम है, गोल्ड वी आई पी आपको देखने को मिल जा रहा है। फिर उसके बाद वी आई पी है, डायमंड वी आई पी है, गोल्डन वी आई पी आपको ये सब आपको देखने को मिल जाने वाला गाइस। फिर उसके बाद देख सकते हैं आपको यूजर कमीशन नोटिफिकेशन आपके यहाँ से देखने को मिल जाने वाला गाइस। फिर देख सकते हैं आपको ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे गाइस। फिर गाइस हम आपको बताते हैं इसी कंपनी प्रोफाइल के बारे में। कंपनी प्रोफाइल पर जब क्लिक करेंगे तो हमको इस तरीके का इंटरफेस आ जाने वाला, जैसे कि इस तरीके का इंटरफेस आ जाने वाला गाइस। फिर उसके बाद देख सकते हैं आपको ये सब डाटा में आप इजी से आप सब कुछ देख सकते हैं गाइस। यहाँ से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा गाइस। फिर उसके बाद देख सकते हैं आपको ये सब आपको यहाँ पे ये थ्योरी है वो आप पढ़ के समझ सकते हैं। फिर गाइस इसके बाद देख सकते हैं आपको ये सब आपको यहाँ से देखने को मिल जाने वाला गाइस। फिर गाइस इसके बाद देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन है जो प्रमोशन रिवॉर्ड्स का, प्रमोशन रिवॉर्ड्स पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये सब आपको देखने को मिल जाने वाला गाइस। फिर उसके बाद देख सकते हैं आपको ये सब डाटा यहाँ से आप इजीली से यहाँ पे रीड कर सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं गाइस। फिर उसके बाद ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर गाइस इसके बाद देख सकते हैं वी आई पी रिवार्ड्स आपको ये सब आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा गाइस। फिर उसके बाद देख सकते हैं आपको फॉर ऑल रिवार्ड्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट कस्टमर सर्विस। फिर उसके बाद देख सकते हैं आपको ये सब देखने को मिल जाएगा गाइस। फिर उसके बाद देख सकते हैं आपको वेजिनियर ट्यूटोरियल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाने वाला है। फिर उसके बाद ये क्लिक करेंगे तो आपको ये सब यहाँ से आपको ये सब थ्योरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस फिर उसके बाद देख सकते हैं आपको ये सब डाटा अकाउंट आपको ये सब आपको देखने को मिल जाने वाला है। इस फिर उसके बाद देख सकते हैं आपको ये सब पढ़ के फिल देख सकते हैं। फिर उसके बाद गाइस यहाँ से आपको देख सकते हैं ये दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इन्विटेशन का, इन्विटेशन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको क्लिक इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से क्यू आर से इन्विटेशन कॉपी कोड कर रहे हैं, एडमिशन लिंक है, यहाँ से कॉपी करके अपने फ्रेंड के पास भेज दी कॉपी, यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर गाइस इसके बाद देख सकते हैं वी आई पी इवेंट्स पे आपको देखने को मिल जाएंगे, वी आई पी इवेंट्स यहाँ पर यहाँ से आप देख सकते हैं वी आई पी इवेंट्स का जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको ये सब तो ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये सब आपको देख सकते हैं आपको ये सब आपको डाटा में देखने को मिल जाने वाला है, ये सब आप यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस। फिर उसके बाद देख सकते हैं आपको इस वेबसाइट में आपको डिपॉजिट कैसे करना है, डिपॉजिट करने के लिए आपको जो डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है वो इस दिशा में यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं फिर उसका नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाने वाला गाइस। यहाँ से आप जितनी यूएसडी डिपॉजिट करेंगे वो हमें सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमें 300 यूएसडी डिपॉजिट करनी है तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपको डिपॉजिट एड्रेस है वो हमें इजीली से यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें अपने ट्रस्ट वैलेट में जाना है गाइस। ट्रस्ट वैलेट में आकर एप्लीकेशन एड्रेस जो हमने कॉपी किया था वो हमें पेस्ट कर लेना है, अमाउंट में जितने अमाउंट में हमें डिपॉजिट करनी है। फिर उसके बाद देख सकते हैं जो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है गाइस, यहाँ से आपको यहाँ पे कंटिन्यू का जो ऑप्शन आपको देखने को मिल जा रहा है गाइस। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है अपनी कंटिन्यू करने के बाद गाइस अपने द्वारा वेबसाइट में आना, वेबसाइट में आने का जो कन्फर्म का ऑप्शन है वो इजी से हमें आपको इजी से यहाँ पे इस पर कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमने डिपॉजिट किया था वो यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है गाइस। यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमने डिपॉजिट की 300 यूएसडी को वहाँ पे सक्सेसफुली हो चुकी है गाइस। यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस तो कितनी अच्छी वेबसाइट है, आपको इजी से सब कुछ हो गया है गाइस। फिर उसके बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पे सब कुछ इजी से यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुकी है। फिर उसके बाद देख सकते हैं गाइस यहाँ पर ग्रैप का ऑप्शन आ जाएगा, ग्रैप का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं अभी जो ऑर्डर है वहाँ पर अंदर जीरो है, कमीशन भी जीरो है, अवेलेबल यहाँ पे जीरो है। तो यहाँ पे आप ग्रैप बढ़ करने के लिए आपको जो ऑटोमेटिक ग्रैप का ऑप्शन आ रहा है इसकी सब क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंटिंग डाउन का प्रोसेस में हो रही है गाइस, इस तरीके से आप देख सकते हैं गाइस।
फिर उसके बाद देख सकते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर वो हमारा यहाँ पे कम्प्लीटेड होने वाला है गाइस कुछ ही देर में। यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर वो हमारा यहाँ पे कम्प्लीटेड हो चुका है गाइस, यहाँ पे सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है, कमीज में भी इंक्रीज़ है और बैलेंस नहीं है। इसी तरीके से हमें दूसरा भी यहाँ से कर लेना है। तो गाइस इसी तरीके से हम देख सकते हैं मेरा जो दूसरा ऑप्शन है वहाँ पे सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद गाइस यहाँ से हम देख सकते हैं जो दूसरा ऑर्डर हमारा यहाँ पे कम्प्लीटेड हो चुका है गाइस। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे आपको तीसरा यहाँ पे कर देना। तो इस तरीके से गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं थर्ड ऑर्डर पर हमारे यहाँ पे सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं जो थर्ड ऑर्डर वो हमारे यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है। कमीशन में आप देख सकते हैं अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस। इसी तरीके से आपको गाइस फोर्थ यहाँ पे कर देना है। फिर गाइस इसको गाइस देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो 20 ऑर्डर है यहाँ पे कम्प्लीट होने वाला है गाइस। यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस जहाँ से आपको देखने को यहाँ पे 20 ऑर्डर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। फिर सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं आपको जो हमारे 20 ऑर्डर यहाँ पे कम्प्लीट हो चुके हैं। कमीशन में आप देख सकते हैं अवेलेबल बैलेंस में भी आपको काफ़ी अच्छी इंक्रीजिंग हो चुकी है गाइस। फिर उसके बाद देख सकते हैं आपको फिर यहाँ से ऐसे ही आपको यहाँ पे कर देना है। तो गाइस यहाँ से हम देख सकते हैं जो 40 ऑर्डर वो हमारा कम्प्लीट होने वाला है गाइस। यहाँ से आप देख सकते हैं जो यहाँ पे 40 ऑर्डर यहाँ पे आप देख सकते हैं आप सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद देख सकते हैं आपको जो 40 ऑर्डर यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 40 ऑर्डर कम्प्लीट हो चुके हैं। फिर उसके बाद जैसे बैलेंस आते इसी तरीके से गाइस हमें यहाँ से वो कर देना है। फिर गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस फिर उसके बाद यहाँ पे कम्प्लीट होने वाला गाइस। फिर उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं हम कहीं जहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे कम्प्लीट करेंगे तो हमको इस तरह का इंटरफेस आ जाने वाला गाइस। फिर उसके बाद देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा गाइस। यहाँ से आप देख सकते हैं जो 50 ऑर्डर है वो हमारे यहाँ पे कम्प्लीटेड हो चुके हैं गाइस। यहाँ से आप देख सकते हैं जो 50 ऑर्डर कम्प्लीटेड हो चुके हैं अवेलेबल बैलेंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। फिर गाइस यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको ऑर्डर ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं ये हम सारे ऑर्डर जो हमने यहाँ के ऑर्डर किए तो वो यहाँ से आप सारे ऑर्डर यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस। यहाँ से हम ये सारे ऑर्डर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाले गाइस। फिर उसके बाद देख सकते हैं ये सारे सामान देखने को मिल जाने ये सब आपको ऑर्डर देखने को मिल जाएंगे। फिर गाइस इसके बाद देख सकते हैं कोई ये वो ऑप्शन मिल जाएगा गाइस कम्प्लीटेड का। यहाँ पे देख सकते हैं आपको पेंडिंग कम्प्लीटेड का ऑप्शन आ जाएगा गाइस। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारे ऑर्डर यहाँ पे कम्प्लीटेड हो चुके हैं गाइस। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारे ऑर्डर आपको यहाँ पे कम्प्लीटेड देखने को मिल जा रहे हैं गाइस। इसके बाद देख सकते हैं ऑल ऑर्डर यहाँ से तो सारे ऑर्डर वो यहाँ से कम्प्लीटेड हो चुके हैं गाइस। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से ये सारे ऑर्डर यहाँ से कम्प्लीटेड हो चुके हैं गाइस। फिर उसके बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पे जैसे ऑर्डर यहाँ पे आपके देखने को फिर उसके बाद ये सब आपको ऑर्डर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे गाइस। फिर उसके बाद देख सकते हैं आपको ये सारे ऑर्डर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाले गाइस। यहाँ से देख सकते हैं सब ऑर्डर यहाँ पे कम्प्लीट हो चुके हैं। फिर उसके बाद देख सकते हैं गाइस यहाँ से पेंडिंग में कोई ऑर्डर नहीं है यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर गाइस इसके बाद देख सकते हैं आपको इस वेबसाइट में आपको विड्रॉल कैसे करना है। विड्रॉल करने के लिए जो आपको ऑप्शन है विड्रॉल करो उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाने वाला है। इंटरफेस आने के बाद गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं आपको ये आपको फिलअप कर लेना है गाइस। यहाँ से आपको देख सकते हैं ये फिलअप करेंगे तो हम यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। फिर उसके बाद देख सकते हैं आपको ये सब कर लेना है। फिर गाइस इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आप यहाँ से आपको एक नेम डाल देना है यहाँ पे ईमेल डाल देनी है। फिर इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है यहाँ पे ये एड्रेस डाल देना है। फिर यहाँ पे TRC20 एड्रेस आपको यहाँ से फिल कर दिया। फिर उसके बाद देख सकते हैं ये सब फिल कर लेना है। फिलअप करने के बाद गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे हमने ये यहाँ पे आपको फिल कर दिया। फिर उसके बाद देख सकते हैं सबमिट का ऑप्शन गाइस यहाँ से आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। हम देख सकते हैं विड्रॉल वो हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है गाइस। फिर उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। फिर उसके बाद देख सकते हैं आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं सारा डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला गाइस। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। यहाँ से पर्सनल डाटा के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। फिर उसके बाद इसके बाद देख सकते हैं गाइस ऑर्डर रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है। ऑर्डर रिकॉर्ड हेल्प इंजॉय का हेल्प वर्ड का ऑप्शन पाया जाएगा। जहाँ से हम देखते हैं
यहाँ से पढ़ के सब कुछ ईजी से आपको यहाँ से बेस्ट वेबसाइट में कर देना गाइस। फिर उसके बाद देख सकते हैं गाइस आपको आपको ऑप्शन आ जाएगा ऑनलाइन का। ऑनलाइन पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने का इसका मतलब ये है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत प्रॉफिटेबल एप्लीकेशन। इनको मिल जाने वाला गाइस, तो ये बहुत इंटरेस्टेड एप्लीकेशन है, ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको चलो भी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।